लॉकडाउन होने के सबब दीनी मदारिस में किसी तरह का कोई माली तावन व चंदा जमा नहीं होने के सबब असातेजाओं की तनख्वाही देने में कई तरह की मुश्किलात पेश आ रही है। ऐसे नाजुक हालात में शहर के मारूफ मौलाना एजाज इशाती ने एक हंगामी मीटिंग बमुकाम शहर के देगलू नाका गोल्डन फंक्शन हॉल में वाक़ मराठवाड़ा निकाह के ऑफिस में तलब की। इस मीटिंग में उलमा इकराम व हुफ्फाज ये तजवीज़ पेश की कि वो अपने अपने मदारिस का हर माह 200 रुपए बतौर हदिया देकर अपना तावन पेश करेंगे ताकि लॉकडाउन में परेशान दीनी मदारिस के असातेजाओं की माली मदद हो सके। मौलाना इशाती के इस गैर मामूली तजवीज़ पर शहर के बेशतर उलमा इकराम हुफ्फाज मुफ्ती इकराम ने मौलाना एजाज इशाती को मुबारकबाद पेश की और कहा कि हम उनके इस फलाही व नेक दिली जज्बे से किए जा रहे काम में अपना पूरा तावन पेश करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें किसी काम के लिए एक मौका इनात फरमाया है और हमें इस काम के लिए चुना है। और एक सबसे मेन बात यह है कि जब जो लोग देने की नीयत रखते हैं अल्लाह उन्हें देने वाला बनाता है और जो लेने की सोचते हैं फिर अल्लाह उनके नीयत के हिसाब से फैसले करता है। अब हमारी ये सोच है कि जो मदरसे में तलबा पढ़े वाले हैं आज लॉकडाउन लगे हुए तकरीबन एक साल का अर्सा हो गया है और बहुत सारे मदारिस के असातिज़ा की तनख्वाह है, इसी तरीके से मदारिस का सबको हाल मालूम है कि चंदा नहीं हो रहा है और बहुत सारे मदारिस जो है तो माली एतबार से खसारे में चल रहे हैं। तो मैं हमारे उन तलबा जो मदरसे से फारिग हो चुके हैं और फारिग होने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह महीना 25-30 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, तो मेरे उन साहिब इस्तेताद उलामा मुफ्तियान हुफ्फाज इकराम से जो आज महीने की अच्छे तरीके से जो है तो कमाई कर लेते हैं और जो 25-30 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं, तो मेरी एक दरख्वास्त है कि वो जिस मदरसे में तालीम हासिल की है वो उस मदरसे को कम से कम 200 रुपये महाना दे, ताकि अगर किसी मदरसे में किसी बच्चे ने 8 साल तालीम हासिल की हो, किसी ने 5 साल तालीम हासिल की हो, तो ये अपना एक अखलाक की फरीजा बनता है कि हम भी जो है तो उस मदरसे को महाना 200 रुपये देकर अपनी तरफ से ताउन करें। इससे मदरसे का जो है तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और हमारा हक भी अदा हो जाएगा। ये पूरा शहर भर में इस तरह की मुहिम शुरू की जाएगी या अभी फ़िलहाल एक ही मदरसे के बारे में किया जा रहा है? अभी खुसूसन मैं तमाम ही फारिगीन मदारी से दरख्वास्त करता हूँ कि आप जो है तो इस काम के लिए आगे आए, क्योंकि आपने जिस मदरसे में तालीम हासिल की है आपका अखलाकी फरीजा बनता है। सबसे अपील करता हूँ जिस मदरसे में आपने तालीम हासिल की है अगर आप अच्छे से कमा रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप मदरसे को 200 रुपये दे सकते हैं, तो उसमें आप पीछे ना हटे, आप इसके लिए जो तो आगे आए। मैं तमाम ही मदारी से दरख्वास्त करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को बाकी रखा है और मैं मानता हूँ वबा के दिन हैं पर ये दिन भी खुदा के दिन हैं, ज़रा सा आगे आने वाले अच्छे दिन हैं। तो मैं आप तमामी हजरात से और मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ जो मदारिस इस्लामिया मकातिब कुरानिया से जो अपने आप को दीनी तालीम से आरास्ता किए हैं, अब वो वक्त है जो आप लोग बखूबी जानते हैं क्योंकि लॉकडाउन पूरे मुल्क में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर चल रहा है, इसी के मातहत में कई मसाइलों से दो चार हो रहे हैं। लेकिन खुसूसन मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि भाई मदारिस वाले ही हो रहे हैं बल्कि अइमा भी हो रहे हैं, मकातिब में पढ़ाने वाले लोग भी हो रहे हैं। तबारक व ताला ने इस काम को के चलने इरादा किया है तो हम लोगों को सिर्फ इस काम को लेकर चलना है। तो मेरे आप तमामी हजरात से मुअद्दबाना दरख्वास्त की जाती है कि जैसे कि मदारिस के तलबा जो मदारिस से फारिग हुए हैं हम उनसे मुअद्दबाना दरख्वास्त करते हैं कि वह अपने अपने मदरसे के अपने अपने असातिज़ाओं के बारे में मालूमात लें और मदरसे के हाल के बारे में मालूमात लें कि उनके तनख्वाह उनके हालात क्या चल रहे हैं और उसके ऊपर में उसके बाद में उन लोगों का साथ दें और उनका ताउन करें। जैसे कि अभी हमारे शहर के अंदर एक मीटिंग ली गई जिसके अंदर तलबा को जमा किया गया कि मदरसे के असातिज़ाओं के लिए जो निज़ाम चल रहा है तो उसके अंदर हम जितना अपने से बन पाता है उतना हम ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुल्क के अंदर अमन व अमान क़ायम करे और इन हालात को बदले।